सबको मेरा नमस्कार। कल से लेके आज तक थोड़े से केसेस लगता है ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज के मुताबिक अभी तक 219 पेशेंट्स कोरोना के दिल्ली में हैं। इनमें 51 केस विदेशों से आए हुए लोगों के हैं, जो विदेशों से कोरोना लेके आए थे, विदेशों से ही बीमार होके आए थे। 108 केस मरकज के हैं, जो कि निज़ामुद्दीन में मरकज से लोग निकाले गए, उनके 108 उनमें बीमार हैं। 29 केस वो हैं जो विदेशों से आए थे और उनके परिवार वालों को, 29 उनके परिवार वालों को कोरोना हो गया और 4 लोगों की डेथ हो चुकी है। कल तक 2 लोगों की डेथ थी, आज 2 लोगों की और हो गई है, 4 लोगों की डेथ हो गई है। ये जो 2 लोगों की डेथ हुई है आज, ये उनमें से हैं जो मरकज़ से निकाले गए थे, उनमें से 2 लोगों की डेथ हो गई है। जितने भी पेशेंट्स अब हमारे हॉस्पिटल्स में हैं, जो 219 पेशेंट्स हैं, 208 रह गए, क्योंकि उसमें से 6 पेशेंट्स डिस्चार्ज हो गए, 1 पेशेंट बाहर चले गए थे और 4 की डेथ हो गई। 208 पेशेंट्स अभी हॉस्पिटल्स में हैं, जिसमें से 1 वेंटिलेटर पे है। तो जैसे रोज़ मैं जब बताता हूँ, तो ये 1 वेंटिलेटर पे कुछ दिनों से है और मैं उम्मीद करता हूँ ये ठीक हो जाएंगे, और 5 ऑक्सीजन पे है, 202 बिल्कुल स्टेबल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सभी लोग ठीक हो जाने चाहिए। इस समय जब ये मैं सारा डेटा बताता हूँ आप लोगों को रोज़, इसमें 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे लिए चिंताजनक हैं, जिनके बारे में मैं ज़्यादा चिंता करता हूँ। एक, क्या कोरोना आम लोगों में फैल रहा है, और दूसरा, कितनी डेथ हुई। इस डेटा को देखते हुए 29 लोग मैंने बताया कि ऐसे हैं जो लोग विदेशों से कोरोना लेके आए थे और उनके परिवार के लोगों को कोरोना हो गया। 29 ऐसे हैं। ये 29 की फिगर कई दिनों से सेम चल रही है, ये नहीं बढ़ी, तो इसका मतलब अभी तक दिल्ली में कोरोना फैल नहीं रहा। यहाँ तक कि जो लोग मैंने बताया, 51 लोग ऐसे हैं जो कि विदेशों से आए थे, उनके भी परिवार वालों को सबको नहीं हुआ, केवल 29 लोगों को हुआ है। तो अभी दिल्ली में कोरोना फैलना चालू नहीं हुआ। इस पूरे डेटा से ये एक अच्छी बात निकलती है। कितनी डेथ हो रही है, जो मरकज से निकल के आए हैं लोग, वो थोड़े सीरियस नज़र आ रहे हैं, उनमें से 2 लोगों की आज डेथ हो गई। बाकी लोग जितने पेशेंट्स हैं वो स्टेबल नज़र आ रहे हैं। मरकज़ से 2,346 लोगों को निकाला गया था, जिसमें से 1,810 लोगों को क्वारंटाइन में भेजा गया है, 536 लोगों को अस्पतालों में भेजा गया है। तो 2,346 लोगों को जो भेजा गया है, उनका हम लोगों ने, ताकि स्टेटस पता चले, उनका एक साथ हम टेस्ट करवा रहे हैं, और अगले 1-2 दिन में हो सकता है कि इनमें से कई लोग कोरोना के पेशेंट्स नज़र आए, तो हो सकता है अगले 1-2 दिन के अंदर हमारा पेशेंट्स का डेटा दिल्ली का शूट अप करेगा। दिल्ली में इस वक्त हम टोटल 2,943 लोगों को क्वारंटाइन किया हुआ है, जिसमें से जैसा मैंने बताया 1,810 लोग मरकज़ के हैं और 1,133 जो विदेशों से आए हुए लोग हैं। तो 2,943 लोगों को हमने क्वारंटाइन किया हुआ है और 21,307 लोगों को हम लोगों ने सेल्फ क्वारंटाइन के लिए बोला हुआ है, अपने अपने घरों में क्वारंटाइन के लिए बोला हुआ है। कल से जो गरीबों को, बेसहारा लोगों को, जिन लोगों को कोरोना की लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा मार पड़ी है, जिन लोगों के घर में खाने को भी नहीं है, ये मौका है जब हर सरकार को, हर जिम्मेदार सरकार को ऐसे अपने गरीब लोगों की मदद के लिए सामने आना चाहिए।
इसमें ना केवल सरकार बल्कि बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सब लोग इसमें मदद कर रही हैं, एनजीओज बहुत सारी मदद कर रही हैं। तो अब कल 6,208 लोगों ने लंच किया था, जो हमने सेंटर खोले हैं अब दिल्ली में जगह जगह, अब बहुत जगह सेंटर खुल गए हैं दिल्ली के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे इतने खुल जाएंगे कि आपके वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर एक सेंटर होगा, आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल 6,208 लोगों ने लंच किया था और 5,95,760 लोगों ने डिनर किया था। तो लगभग 6 लाख लोगों ने लंच किया, लगभग 6 लाख लोगों ने डिनर किया था। अब हमने इतना ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ा दी है कि अगर 10 लाख लोगों तक भी लोग लंच या डिनर करना चाहें तो 10 लाख लोग लंच कर सकते हैं, 10 लाख लोग डिनर कर सकते हैं। अब किसी भी व्यक्ति को जो भी खाना खाने के लिए आएगा उसको वापस भूखे खाली हाथ नहीं भेजा, खाली पेट नहीं भेजा जाएगा। हर व्यक्ति के लिए अब लंच और डिनर का इंतज़ाम है, इतना ज़्यादा इंतज़ाम कर दिया कि अब हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है। मेरे पास कुछ दिनों से ऑटो वालों के, टैक्सी वालों के, आरटीवी वालों के मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि हम लोग भी बिल्कुल भुखमरी के कगार पे हैं, हम लोग भी सारी हमारी रोज़ी रोटी बंद हो गई है, और सीएम साहब आप तो हमारे इतने चहेते हैं, आप हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे क्या? मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे भाई की तरह हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली का एक एक व्यक्ति मेरा अपना है, और मैं किसी भी व्यक्ति को भुखमरी की वजह से नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे दूसरे सबका हम लोग अभी तक मदद करते आए हैं, ऑटो, आरटीवी, ग्रामीण सेवा, टैक्सी और भी जितनी पब्लिक ई रिक्शा, जितने पब्लिक सर्विस व्हीकल चलाने वाले हमारे भाई हैं, उनकी मदद के लिए सरकार प्लानिंग कर रही है। थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि आप लोगों के बैंक अकाउंट नंबर्स नहीं है हमारे पास, तो वो नंबर्स कैसे लिए जाएं उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। तो सबके अकाउंट में 5,000 रुपये सरकार की तरफ से आपकी मदद के लिए डाले जाएंगे। ये बड़ा कठिन समय है, जब पूरा देश और पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, और इसके सबसे ज़्यादा मार गरीबों को पड़ी है, जिनकी रोज़ी रोटी भी चली गई है और उनके पास अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसे नहीं होते कि अपने बच्चों को खिला सकें ऐसे वक्त में। तो हमारी किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने गरीबों का ख्याल रखे। तो आप सभी के अकाउंट में 5,000 रुपये डाले जाएंगे, लेकिन इसमें लगभग 10 दिन लग सकते हैं, थोड़ा सा सब्र रखना क्योंकि इसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लग सकता है, तो उसका थोड़ा सा वो रखना। कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक बयान आया था, उन्होंने लिखा था कि हो सकता है 1,00,000 से 2,50,000 लोगों के बीच अमेरिका के लोगों की जान चली जाए। तो आप सोच सकते हो कि कितनी भयावह स्थिति है। अमेरिका जो कि देश दुनिया का सबसे विकसित देश है, जहाँ पे कि सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, वहाँ के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि 1,00,000 से 2,50,000 लोगों की जान जा सकती है। तो इसीलिए मेरी आप सब लोगों से विनती है, प्रधानमंत्री जी ने ये लॉकडाउन का जो ऐलान किया है ये बेहद ज़रूरी है, इसका सबका हम लोगों को पालन करना है। हर हालत में अपने घर में ही रहना है, थोड़े दिन अपने घर में ही रहना है। इसमें तरह तरह की तकलीफ़ें आ सकती हैं, ये तकलीफ़ें हमारी ही भलाई के लिए हैं, देश की भलाई के लिए हैं, लोगों की जान बचाने के लिए हैं। एक कहानी कही जाती है कि एक बार विदुर ने युधिष्ठिर से पूछा कि अगर जंगल में आग लग गई तो कौन मरेगा और कौन बचेगा। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि जो सबसे ताकतवर जानवर हैं, शेर है, चीता है, हाथी है, ये सब मर जाएंगे। जो सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर हैं, हिरन है, खरगोश है, ये सब मर जाएंगे। तो फिर उन्होंने पूछा कौन बचेगा। उन्होंने कहा जो अपने अपने बिल में रहने वाले जानवर हैं वो बचेंगे। तो ये कोरोना भी एक तरह से जंगल में आग की तरह है, जो जो अपने घर में रहेंगे वो स्वस्थ रहेंगे। आप सब लोग स्वस्थ रहें, यही मेरी प्रभु से कामना है। आज रामनवमी का दिन है, रामनवमी के अवसर पे आप सब लोगों को बहुत बहुत
दिल से मैं बधाई देता हूँ। मंदिर तो आप नहीं जा पाएंगे, लेकिन अपने घर में रह के रामनवमी मनाइएगा। और आज रामनवमी के दिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आज प्रण कीजिएगा, आपके गली मोहल्ले पड़ोस आस पड़ोस में कोई भूखा ना रहे। ये सबसे अच्छा तरीका होगा रामनवमी मनाने का। जब तक लॉकडाउन है, आप कसम खा लीजिए कि आपके पड़ोस में कोई भूखा नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।